Hello and welcome to another episode of our podcast. Today we have with us a 21-year-old Namir Usmani who's a famous YouTuber, influencer, content creator, cricket lover, travel enthusiast. But more than that, he's an inspiration for many of us. So let's hear it from the guy himself. Hello Namir. alaikum. अल्हम्दुलिल्लाह बताएं मैं बिल्कुल ठीक हूँ थोड़ा थोड़ा रोज़ा लग रहा है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा <laughs> थोड़ा थोड़ा मुझे भी थैंक यू सो मच आप फॉर टेकिंग आउट द टाइम टू डू दिस स्पेशली इन रमज़ान स्पेशली इन रोज़ा इफ्तारी से इतना यू नो लाइक सो क्लोज टू इफ्तारी बट अस रमजान कैसा गुजरा

डोनेशन डोनेशंस अदर करते थे तो मैंने भी ये करने की कोशिश की और uh, अगर आपकी नीयत तो अच्छी हो किसी भी काम करने को तो वो कुछ रुकावट आती नहीं है तो फिर डोनेशन जाएँगे मैंने स्टार्ट किया पिछले साल तो इस साल भी मैंने इसी तरह सोचा था और इसी तरह हो गया और जब डोनेशन आती हैं पता नहीं चलता आ कहाँ से रही हूँ आती रहती हैं आती रहती हैं रुकती that's, नहीं है अमेजिंग एंड आई थिंक अब दिस इफ्तार ड्राइव कल्चर हैज़ बिकम वेरी प्रावलेंट इनफैक्ट अभी कुछ टाइम पहले मैं इफ्तार पे कहीं जा रही थी एंड मैं जिस जिस रोड पर गुजर रही थी ऑलमोस्ट हर रोड पर एक दस्तखान लगा हुआ था यू नो वट सरप्राइजिंग है इसके यूजली बहुत इट्स नॉट लाइक द ओल्ड पीपल हुआ आपके एज ब्रैकेट के बच्चे लाइक यू नो हमारी एज ब्रैकेट के बच्चे जो कि ये काम कर रहे थे विच इज़ वेरी रिफ्रेशिंग टू सी बट सो यू स्टार्ट एड लास्ट ईयर अब जो है वॉट यू थिंक लाइक सिंस लास्ट ईयर से लेके अब तक कितनी ग्रोथ हुई है उसमें डोनेशन वाइज आपकी टीम वॉल्टियर वाइज डोनेशन वाइज तो ग्रोथ हुई है क्योंकि सी बात है Uh, चीजों की मतलब प्राइजेस भी बढ़ी है तो इसलिए लोगों ने उसी लिहाज से डोनेशन भी भेजी हैं और वॉल्टियर्स में मेरे सर्कल भी और बड़ा हुआ है दोस्तों का तो दोस्त ही आते हैं ज़्यादातर मेरी यूनिवर्सिटी के ओके okay, तो, okay. तो तकरीबन ट्वेंटी होते हैं सारे दोस्ती होते हैं कितनी जगह पे आप लोग ये एक ही जगह हमारी है मेरा ऑफिस है उसके नीचे बस स्टैंड है पे ओके तो हम लोग कराते हैं ओके एंड एज एन एस्टिमेट हर, हर रोज कितना बंदा आप के दस पे अफ़तारी करता है ये तो कोई आइडिया तो नहीं हो सकता लेकिन दो सौ बंदा हो गया लाइक हम रोज ट्वेंटी फाइव के uh, जी uh, बिरयानी बनाते हैं तो वो पूरी हो जाती पूरी है? हो जाती है वो okay. भी थोड़ी कम पड़ती है कभी कभी ओके दैट्स दैट्स अमेजिंग अमेजिंग ऑलराइट सो लेट्स गो बैक टू योर चाइल्डहुड अबाउट योर चाइल्ड हुड एंड आई फील अभी हमने रमज़ान इन द स्पिरट ऑफ हेल्प की बात की सो वॉट वॉज इट लाइक ग्रोइंग अप एज अ चाइल्ड इन पाकिस्तान विद चल पॉलिसी काफ़ी मुश्किलें आई मतलब मुश्किलें इस सेंस में आई सिर्फ एक सेंस में मुश्किलें आई बाकी सारी मुश्किलें तो नहीं आई बस एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आई थी लाइक स्कूल एडमिशन नहीं देते थे hmm. किस मेरे साथ एक एज uh, हेल्पर कोई होना ज़रूरी होता है तो mm -hmm. वो उसे अलाउ नहीं करता था क्लास okay. में तो ये काफ़ी मुश्किल हुई थी तो मैंने बचपन की एजुकेशन जो इनिशियल एजुकेशन होती है hmm. वो मैंने ली थी लाहौर में एक स्पेशल चिल्ड्रन का स्कूल है कैंपस नाम है शायद उसका आई डोंट इवन डों में लेकिन वहाँ मैंने शुरू की क्लासेस वगैरह वहाँ से ली थी फिर उसके बाद उसी का एक एनुअल फंक्शन था तो वहाँ मैंने एक स्पीच दी थी, थी कुछ पढ़ा था मैंने hmm. तो वहाँ एक गेस्ट स्पीकर आई हुई थी जो कि ब्लूमफील्ड हॉल लाहौर में स्कूल है okay. उसकी प्रिंसिपल थी उस टाइम भी तो उन्होंने बोला इसको तो मेरे स्कूल में होना चाहिए तो इस तरह आए गर्ट इन टू नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम और उसके बाद फिर आ, बस पढ़ पढ़ के <laughs> <laughs> तो आप ग्रेड वर वर यू यू इन व्हेन इंडक्टेड अ नॉर्मल स्कूल um first, uh,

मेरे साथ तो हमेशा से अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं क्योंकि मुझे शायद मेरे अंदर एक क्वालिटी है कि मुझे दोस्त बनाने आते हैं <laughs> <laughs> तो मैं दोस्त बना लेता तो वही सारे हेल्प करते रहते हैं hmm. और कभी मुझे मतलब ऐसे किसी ने बुली भी नहीं किया ओके okay. बचपन में hmm. लेकिन अब अब आके मतलब ऐसे ही दोस्त वगैरह कभी कोई फन okay. वे में बोल देते हैं मुझे बुरा नहीं लगता मैं करता हूँ तो वो इतना मसला है

और एंड देन आपने अपना ओ लेवल्स ए लेवल्स मैट्रिक स्मार्ट स्कूल इस टाइम पे ओ लेवल्स ऑफर ही नहीं कर रहा था ओके एंड देन व्हिच यूनिवर्सिटी आर यू इन राइट नाउ एंड व्हाट आर योर अ वे यूनिवर्सिटी और मैं मीडिया स्टडीज पढ़ रहा हूं ओके okay. और सेमेस्टर मेरा 6th है 6th सेमेस्टर ठीक है सो मी व्हाई मीडिया स्टडीज ज़ आई वॉज मोर इन टू लाइक मेकिंग वीडियोज़ एंड ऑल ऑलिस जिस तरह सोचा था मीडिया स्टडीज़ में होगा hmm. वैसा बिल्कुल भी नहीं, <laughs> नहीं होगा तो जो लोग ये सोचते हैं कि मीडिया में जाके आपके मजे हैं आप घूमोगे फिरोगे फिल्म शूट करोगे हाँ. फिल्म हमने सिर्फ एक शूट किया पूरे सिक्स सेमेस्टर में और हाँ अगर आप इकरा वगैरह में शायद चले जाएँ वहाँ होता है लेकिन हमारी बहरिया में तो बिल्कुल भी <laughs> नहीं का वो प्रैक्टिकल वर्क नहीं है सिर्फ वो पढ़ाते रहते हैं थ्योरी so, में आप लोग क्या हम बिकॉज़ आई 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 थिंक एम एंड एम एन एमबीबीएस स्टूडेंट तो मुझे तो ये सब इट वेरी लाइक फन एंड एंटरटेनिंग फॉर मी सो लाइक भी होती मज़े की है बेसिकली लाइक hmm. like, वो पढ़ाएंगे कि फिल्म के अंदर कौन कौन से कॉम्पोनेट्स होते हैं लेकिन मेरे लिहाज से उससे फिल्म बनाने का कोई ताल्लुक नहीं होता <laughs> <laughs> जब तक आपके पास दिमाग है उससे पहले भी मैं वीडियोस बनाता था hmm. तो वो भी कुछ सोच के बनाता था मैं कुछ मैंने पढ़ावा नहीं था कुछ नहीं किया हुआ था वो hmm. बस एक नेचुरली बंदे के अंदर होता है hmm. तो पढ़ने से कुछ नहीं होता सही है सही तो वो बस मैं भी बस डिग्री के, के लिए मैं भी बस डिग्री के लिए कर हूँ सो कमिंग टू यू एडिटिंग फिल्म And editing videos. You started editing videos with your nose. Hmm. Uh, please, I'm extremely interested. Please tell me. Take me back to how did that start? Where did that idea come to you? Um, when the new smartphones came, that time, a tablet, तो बाहर वाले जो लोग होते हैं वो कुछ एक्स्ट्राडनरी <laughs> लेकर आते हैं हमेशा तो वो टैब टैब लेकर आए थे वो टैब बिल्कुल नया नया था उस टाइम पे कितना एक्साइटिंग होता है और उससे सब सफ़ेद सरफर्स खेल रहे हैं टैम्पल रन खेल रहे हैं तो आई वाज लाइक मुझे भी खेलना है मैंने हाथ से ट्राई किया नहीं और वो टच कहीं और करता था कहीं फिर चिंद से एक दिन मुझे ना ऐसे ही पड़ा हुआ मिल गया मैंने गया मैंने यूँ नाक से यूँ किया तो चलने लग गया तो मैंने फिर थोड़ा मतलब शुरू में मुश्किल हुई लेकिन जब मैं यूज़ करता रहा तो प्रैक्टिस हो, होती गई और अब फिर उसके बाद अच्छा इसी से मेरी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हुई थी हुँ, हुँ, हुँ। अब मैं उस टाइम पे लाहौर में था तो जब मैं इतना यूज़ नहीं करता था ये टैबलेट वगैरह जब मैं कराची आया तो मेरे कज़न हैरान होते थे कि मेरे से बात कैसे कर रहा है Oh. और लाइक like, टाइपिंग कैसे हो रही कोई और टाइप करता है क्या मेरे कजन है लाहौर में उनसे मेरी काफी अच्छी बात है और उनसे कुछ ऐसी पर्सनल बातें भी मैं शेयर कर रहा होता था तो वो कहते थे मेरे अलावा और किसको पता है <laughs> तो मैं कहता नहीं मैं खुद <laughs> ही कर रहा हूँ हाँ, तो उन्होंने रहा मुझे एक दिन ऐसे बोला वीडियो बना के भेज दो मैंने बना के भेजी उन्होंने बोला इसके ऊपर वॉइस ओवर करो और इसको लगा दो फेसबुक पर मैंने वही किया और लगा दी वो इतनी वायरल चली गई कि ट्वेल्व के आई गेस इज लाइक इतना like कुछ that. नहीं था hmm. उस टाइम पे वगैरह और द ग्रेट मोहम्मद नए नए आए थे hmm. तो वो वीडियो जब मैंने अपलोड करी उसके व्यूज इतने आए और पाकिस्तान से नहीं इंडिया से हमेशा कोई वीडियो वायरल होगी ना पाकिस्तान में वो इंडिया से होगी तो इंडिया से ही वायरल हुई थी वो और उसके बाद फिर मैंने एक कंटेंट क्रिएटर द ग्रेट मोहम्मद अली को भेजी उन्होंने ऐसी मैं उनको फ़ैन था बेसिकली अभी भी हूँ अब उन्होंने बनाना छोड़ दी वीडियोज़ लेकिन तो उन्होंने मुझसे ऐसे ही मैंने उन्हें नंबर ड्रॉप कर दिया तो ऐसे नहीं होता आप लोग डी स्पैम कर रहे होते हैं मुझे भी करते हैं अब मुझे गुस्सा आता मुझे <laughs> फ़ील होता है कि कैसा होता है लेकिन जब मैं करता था मुझे कुछ फील नहीं होता था तो उन्होंने मुझे एक दिन रैंडमली कॉल की मैं पहचान ही नहीं पाया फिर उन्होंने बोला मिलना है मुझसे मैंने बोला हाँ फिर वहाँ से उन्होंने भी मुझे एक लाइक बूस्ट दिया चैनल को फिर मैंने उस टाइम पर कंसिस्टेंटली वीडियोज़ बनाई और यूट्यूबर्स ने मुझे सपोर्ट किया और फिर एक टाइम पर आके यूट्यूब से मैं बड़ा डिसपॉइंट हो गया था क्योंकि लोगों का जो टाइम स्पैम है ना वो बिल्कुल ही खत्म हो गया है लाइक आप टिकटॉक लगाएंगे ना मुझसे टिकटॉक या इंस्टा की रील मुझसे पंद्रह सेकंड या बीस सेकंड की रील भी पूरी नहीं देखी जाती है तो इसलिए मैंने फिर स्विच कर लिया एकदम से मैंने So do you think that's it's because a um, point when <coughs> Irfan Junaidro and everybody I think when Irfan Junaidro started that's when uh, he's mm. one of the pioneers of the YouTube mm. culture in Pakistan so that's when koi one was that big of a YouTuber so I remember when Irfan Junaidro's videos used to come I used to watch that whole 20-20 minute ki video with a lot of I used to watch multiple dekh hoti thi. do you think that's because everybody overdid YouTube or it got oversaturated or because TikTok came so reels big?

ऐसा नहीं है कि मैं कर रहा हूँ तो आ, बता रहा हूँ लेकिन मेरे मैं मेरे ऑफिस में यही काम हो रहा होता है तो मैंने अपने कज़न को जब हायर किया था ही वॉज़ लाइक यार ये क्या है देख के परेशान हो गया था लेकिन एक महीने में उसने भी आधे महीने में सीख ली थी ठीक है एडिटिंग तो उस टाइम पे ये होता था कि लोग कहते थे यार इसने क्या एडिट बनाई है ये वो लेकिन अब लोगों को पता चल गया कि एडिटिंग में इतना कोई ख़ास नहीं होता तो वो अगर अभी भी इरफान भाई की कोई अगर मतलब उनको लोग देखते हैं तो उनकी स्टोरी की वजह से देखते yeah, हैं एडिटिंग की वजह से तो yeah. मैं भी बेसिकली वही करना चाह रहा था लेकिन मतलब वो था कि मुझे कुछ अलग करना था तो मैं इसलिए इंस्टा पे आ गया था सही है ठीक है इंटरेस्टिंग सो अब एडिटिंग जो थी आई नो लाइक एज यू सेड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट व्हिच कम्स एज अ शॉक टू मी बट कहाँ से uh, आपने सीखी कहाँ से एंड हाउ डिड यू लाइक यू नो वेयर डिड यू फाइंड द टूल्स एंड एवरी फॉर दैट सीखी मैंने कहीं से भी नहीं मैंने बस ये सर्च किया था मुझे जहाँ तक याद है कि विच इज़ द बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर एडिटिंग इन एंड्रॉयड फ़ोन या एंड्रॉयड टैब तो वो आया मैंने उसे खोला उसी के अंदर एक ट्यूटोरियल आ रहा होता छोटा सा एक मिनट का मैंने वहाँ से सीखा फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही एक्सप्लोर करते रहे करते रहे करते रहे और वो

हाँ ओ यस और वो मैंने क्यू मोबाइल की वीडियो पे शेयर किया था हुँ. वो मतलब शूट किया था और एडिट मैंने अपने टैबलेट पे किया था फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने फोन अपग्रेड किए थे अब

And Goor. that is something that you know because I feel like a ab bhot saal pe chhobi that you know they want to start a YouTube channel or a TikTok channel. So what would you like to tell them? Ke, is it like rewarding in terms of money? No. No. <laughs> uh, basically, YouTube aapko itne nahi deta jiten aapko brands dete hain. So, if you अगर आप YouTube से income karna chahein हाँ ये कि आप वहाँ से fame pakardo ek achi si और hmm. अपने Insta pe aajo. सही और वहाँ साइड इनकम समझे आप यूट्यूब को जो मेन इनकम होती है वो ब्रांड्स वगैरह ही देते हैं एंडोर्समेंट्स और कैंपेंस वगैरह एंड देन एलनेस आपकी कोई वन मिलियन तक रीच रोज वीडियोस पे नहीं जा रही जब तक आपका इतना कोई लाइक like, पैसे नहीं बनते सही ऑलराइट सो right. so, um नाउ दैट यू नो लाइक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हाउ वुड यू लाइक टू नो इफ आई वर टू आस्क यू कि आपका एक प्रोफेशन क्या है सो हाउ वुड यू लाइक टू डिस्क्राइब योरसेल्फ इन लाइक अ प्रोफेशन मैं से दो काम करता हूँ एक तो ये है कि मैं इंस्टा पे मतलब इन, इन्फ्लुएंसर हूँ hmm. दूसरा है कि मेरा अपना ऑफिस है उधर लाइक वी डील विद अपवर्क एंड ऑल लाइक हम फ्रीलांसिंग ही करते हैं बेसिकली और वीडियो एडिटिंग का ही काम है मेरा सर <laughs> so ये जो आपका लाइक द ऑफिस दैट यू स्टार्टेड वाज इट योर ओन लाइक डिड यू स्टार्टेड ऑन योर ओन और डिड यू स्टार्टेड विद अ कपल ऑफ पीपल योर फ्रेंड्स और लाइक अ टीम हाँ um, मैं पहले एक जगह कहीं काम कर रहा था तो मेरे uh, लाइक uh, मेरे ताए हैं जो कि टैबलेट वाले टैबलेट वाले ताए <laughs> जो बाहर से आए हुए थे तो जब वो आए तो मैं अक्सर ना बैठ के काम कर रहा होता था, था कुछ ना कुछ फ़ोन पे तो कहता क्या कर कह रहे हो मैंने कहा मैं कहीं किसी के लिए कुछ काम करता हूँ तो ही वॉज लाइक क्या काम उन्होंने मुझसे डिटेल्स पूछी फिर कुछ साल डेढ़ साल बाद उन्होंने रैंडमली मुझे कॉल की इत पर तुम्हारा काम कैसे जाए मैंने तो वो कब का ख़त्म कर दिया अपना क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते हैं hmm. मैंने कहा सीधी बात है इन्वेस्टमेंट की जरूरत है hmm. तो ही वाज लाइक पूरा हिसाब करके बताओ <laughs> कितना तो लाइक उस तरह से मैंने ऑफिस स्टार्ट किया था hmm. और पार्टनरशिप uh, ही कह लें और मतलब सही है है अपना ऑफिस ही अपना so, ही है तो अभी आप उस पर फ्री लांसिंग वगैरह एंड यू डू ऑल ऑफ दैट जी ओके एंड इन इन ऑल ऑफ दिस इन Everything that you've done so far, you know, it's not just like limited to content creation, there's editing, there's like picking up projects, freelancing, there's also a lot of philanthropic work. So is some me, how hmm. do you think at any point, um, do you think your condition has ever been a limitation? Or has anyone ever made you feel like it's been a limitation? Uh no, हाँ कभी कभी ये होता था कि लाइक जब मैं अपनी वीडियोस एडिट कर रहा होता था फ़ोन पे तो वो उस टाइम मेरे पास कोई ना अपना ऑफिस था ना अपने एडिटर्स थे ना कुछ था तो आई वाज लाइक फ़ोन से ही मैं यूज़ करता रहता था एडिटिंग uh, करता था तो वो क्वालिटी नहीं आती थी तो तब मुझे खुद अंदर अंदर होता था कि यार मैं काश लैपटॉप पे एडिट कर सकता तो उस टाइम पे भी मेरे कज़न जो लाहौर में होते थे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मेरी वीडियोज एडिट की और लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने कुछ भी कभी मुझसे नहीं मांगा और ना कभी ऐसा फ़ील होने दिया that's 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 very nice theek hai and um, you know content creation is something that's like that has to be done on a daily basis har roz aapko you know you have to think ke okay aaj main kaise logon ko engage rakhu and everything how do you stay motivated to create all that content and how do you more than that how do you stay consistent कंसिस्टेंट की बात करूं mm -hmm. तो मैं तो आजकल बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं हूँ <laughs> 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 thing is के मैंने आपको बताया कि like uh, office भी है यूनी भी है इफ्तार ड्राइव भी है hmm. और फिर और भी थोड़ी कमिटमेंट्स होती हैं मैं तो इसके तो, आधे में like so like, like, आई तो एम जस्ट लाइक सो टायर्ड दैट आई जस्ट वांट टू लाइक आई एम डन आफ्टर इफ्तार लाइक आई एम डेड लाइक मैं सुबह रात 8 से 4 रात लाइक 8 पीएम टू 4 एम ऑफिस फिर सुबह 10:30 से नहीं 10 से 2 तक क्लासेस होती हैं और बीच में तीन चार घंटे होते हैं उसमें भी थोड़ा बहुत लेट के रेस्ट नमाज वगैरह में निकल जाते हैं वो भी आजकल तो माय so क्वेश्चन तो... is... नींद कब नींद कहाँ आती है सबके बीच में लाइक मुझसे काफी सारे लोग यही पूछते हैं तो नींद सुबह के टाइम जैसे फजर पड़ी उसके पास हो गया तो नौ बजे उठ गया नमाज मतलब सॉरी यूनिवर्सिटी चला गया यूनिवर्सिटी से आके यूनिवर्सिटी डेली नहीं होती ना लाइक मंडे like, और वेडनेसडे ऑफ होता है तो वो एक बीच में लेवरेज बन जाता है सैटरडे संडे भी होता है तो सैटरडे को मैं सोचता हूँ कि रात तक जैसे दोपहर तो में उठ जाऊँ चार बजे तक तीन बजे तक My boss she's like bo 8 to 4 kaam karab tum sare okay so yeah now coming to traveling right so you love traveling tell us about how you started traveling and uh, are you very passionate about it i've seen your travel like vlogs they look very interesting so do you travel with your cousins your friends what's that for you is like is it like a getaway for you yeah kya

और उसके बाद हम लोग जब कराचा होता ही है जब कोई भी चीज़ आपके करीब होती है ना घर के या आपके सिटी के आप तब नहीं विज़िट करते जब दूर चले जाते हैं ना तब तो आप और विज़िट कर रहे होते हैं तो फिर हम जब लाहौर से कराची आ गए ना तो फिर हमें होता था कि हम फिर से मरी जाएँ फिर से कश्मीर वग़ैरह जाएं तो मुझे अभी तक याद है कि हम आने के कोई एक साल बाद ही वापस यहाँ से

रोज तो नहीं लेकिन वीकेंड्स पे एक छोड़ के अल्टरनेटिव वीकेंड्स में गया हमारा वेकेशन इज फ्रेंच वीक सी यू दैट्स आवर वेकेशन हां विशेष से मुझे बहुत पसंद है यस yes. लेकिन जो मेरी मोस्ट मेमोरेबल <laughs> जो लाइक like, ट्रिप uh, थी ना वो थी 2000 uh, 2018 में मैं गया था वहां लाइक like, uh,

घूमना है मुझे लाइक mm -hmm. like, कोई एंड ऑल लेकिन अभी हालात hmm. कुछ हैं वजह नहीं सही, सही. <laughs> सही ठीक है और कोई सो लाइक वाज देयर एनी प्लेस दैट यू विजिटेड दैट यू रियली वांटेड टू गो और वो आपका ड्रीम ट्रिप था एक्सेप्ट फॉर नारान कागान और समथिंग लाइक like दैट ऐसा तो कोई नहीं ड्रीम जगह एक ही है, है मेरी um, मुझे जाना है अगर कभी मुझे मौका मिला कहीं बाहर शिफ्ट होने का तो मैं <laughs> मैं जाऊंगा लंदन लाइक like, क्योंकि मुझे क्रिकेट का बहुत शौक है ओह oh, यस yes. और वहाँ लाइक लॉर्ड्स इज़ इन लंदन या <laughs> I was about to like say that कि मुझे Lords में एक match देखना है। लेकिन I, I before we started I told you yeah. we're not a cricket fan <laughs> venue so a little information can be वो uh, but और इसाई एक quiet second hand knowledge है मेरे पास but हाँ uh, I feel like every uh, true cricket lover उन सब का end goal होता Lords जाएं और वो ठीक अभी World Cup आ रहा है what do you think? Um, What do I think? कौन जीतेगा? क्या squad, replacement होना चाहिए? फिलहाल तो अभी इतना अनाउंस नहीं किया उन्होंने लेकिन पता नहीं हमेशा से ये <laughs> फील तो आती है कि पाकिस्तान ले जाएगा वैसे। <laughs> लेकिन आते आते कभी ना कभी ऐसी डिसपॉइंटमेंट आती है कि उसके बाद दिल ही नहीं करता कि लाइक देखे <laughs> हाँ अभी रिसेंटली जैसे मैं पी एस एल पी एस एल देख रहा था कौन तो सी टीम सपोर्ट कर रहे थे <laughs> 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 तो अपने दोस्तों के साथ ये फयाज भाई भी मेरे साथ थे तो हम मैं और ये जो थे सिर्फ मुल्तान को सपोर्ट कर रहे थे बाकी हमारे आठ दोस्त जो थे इस्लामा को सपोर्ट कर रहे थे तो

have you always liked cricket and like what do you feel like is there any other sport that you like more than cricket and cricket ki journey badi mazey ki hai like hmm. bachpan mein na 2009 ka world cup shayad pakistan jita tha hey, pa jita jeeta <laughs> t20 Achha. okay 1992 का भी जीता ना मतलब 2 1992 <laughs> के बाद लाइक यू नो हमेशा एवरीबॉडी इज लाइक 1992 जीता मतलब उसके बाद उसके बाद नहीं जीता जीतते जीतते हार जाते हैं मुझे वो याद है 2011 का सेमीफाइनल दैट आई कैन नेवर फॉरगेट वो तो पता नहीं पता नहीं क्या-क्या माना हुआ था मैंने लाइक <laughs> like, आज जीत जाए तो ये करूंगा आज जीत गए तो ये करूंगा लेकिन कुछ भी नहीं हुआ तो मैंने कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं किया <laughs> खैर अब 2009 का वर्ल्ड कप मैच चल रहा था और मैं लाइक फोन वो फ़ोन नहीं सॉरी कंप्यूटर यूज़ कर रहा था तो कंप्यूटर पे कुछ देख रहा था पता नहीं क्या सीन था एग्जैक्टली याद नहीं एकदम से मैंने देखा मेरे बिल्कुल पीछे टीवी लगा हुआ है और अबू और अबू के एक दो दोस्त बैठे हुए पता नहीं एकदम से उनको लाइक अगर आप नहीं देखते क्रिकेट तो वो बैठे बैठे एकदम से खड़े हो गए एंड लाइक भंगड़ा डालने लग गए मैंने कहा ये क्या चल रहा है मुझे नहीं पता था ये क्या चल रहा है मुझे बस एक नाम पता था उस टाइम पे शाहिद अफरीदी और मुझे hmm. क्रिकेट में कुछ नहीं पता था hmm. फिर उसके बाद एक क्रिकेट गेम है कंप्यूटर पे टू क्रिकेट टू तो वो मेरा भाई लेकर आया तो उसने इंस्टॉल की और आ, उस टाइम पे मेरा राइट हाथ थोड़ा बहुत चलता था तो लाइक मैं उससे गेम्स खेलता रहता था क्रिकेट का डेवलप ही वहाँ से हुआ पहले मैंने ये कहा मुझे इंटरेस्ट हुआ कि अब बू इतना खुश हो रहे हैं इसमें <laughs> तो, तो उसके बाद फिर मैंने गेम्स खेलना शुरू कर दी गेम में फिर इंटरेस्ट हुआ मैं देखना भी शुरू हो गया फिर हमेशा से बस दोस्तों से या लड़कियों से ज़्यादा दिल क्रिकेट ने तोड़ा है <laughs> I think that that's just so that's so true that's so true like I oh my god this was too honest <laughs> I feel <laughs> it <laughs> know that's true but uh, i'll tell you like with um so i would always hate on psl only because boha traffic jam hota tha and you know like going back home would be wo, so I'm like yeah this that until recently this time you know uh, somebody convinced me and they're like you know they put up a very strong argument about psl and how it's like a cultural promotion and everything

टू बी वेरी समझ नहीं आई हमारी लाइक like, जितने भी आवाम है उसकी एक बार समझ नहीं आई किसी भी चीज़ को कोई अच्छी चीज़ हो रही होगी उसको hmm. like, uh, like लोग गालियाँ देते हैं all, hmm. कि उसने फलाने को स्पॉन्सर कर दिया yeah, yeah, यही है कि अभी आप जाके uh, सी के बाहर जाके खड़े हो जाए hmm. देख लें जाके हाल क्या सही बात तो के एफ सी को स्पॉन, मतलब स्पॉन्सर कर दिया और बैन कर दे वो पी एस एल को बैन कर दो एंड ऑल आधी आवाम वहाँ चिकन पीस के लिए लड़ रही है बाहर खड़ा हो गया <laughs> तो <laughs> पता नहीं बस उनको ना किसी चीज़ पे कोई मतलब पाकिस्तानी लोग होते हैं उनको मिर्च, think... मिर्च मसाला चाहिए होता है कोई मौका नहीं मिल रहा तो के को पकड़ के बैश करे जा रहे हैं also, like nation, like, हाँ, you know, है में... हर चीज़ में नेगेटिव चीज़ निकालना लाइक पॉजिटिव चीज़ भी देखो वो कितने लाइक डेफ लोग जो होते हैं लाइक स्पेशल चिल्ड्रेन जो होते हैं उनको वो लाइक जॉब्स देते हैं और उसके अलावा

यार स्पोर्ट्स को मैं कहता हूँ हर चीज़ से अलग रखना चाहिए पॉलिटिसाइज़ तो, नहीं, नहीं करना चाहिए तो एक तरह से मैनेजमेंट भी सही थी और एक तरह से लोगों का भी अब अंदर की इमोशन है वो नहीं कंट्रोल कर पा रहे और <coughs> मैं ये कसम खा के बाद बोल रहा हूँ जो लोग ये लेके आना चाहते हैं ना लाइक किसी बंदे को मैंने मतलब वेलेस्टाइन के लिए मैंने कभी नहीं देखा कि वो लेकर आ रहे हो वो क्या करते हैं लेकर आएंगे कि हम किसी तरह ना वीडियो बन जाए और हम उसके ऊपर oh. वो इनता फलस्तनी oh. वा, yeah, <laughs> like, yeah, wow. yeah. अगर आपको करना है तो कोई डोनेशन कर दो जाके आप कोई अच्छा काम कर दो लाइक mm. like, ये करने से क्या होगा वीडियो बना के टिकटॉक पे लगा दी सो नमी यूर आर लिविंग एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू डिट लेटी So now you know like uh, what's what do you think is next for, or like do you feel like we are there as a country are we there in which we're inclusive towards people with special abilities and including people with cerebral palsy? do you think schools are now more open in inducting them or like uh, where do you think we stand as a country uh i I don't think so hmm. because uh, आजकल की जो जनरेशन है ना लाइक like, वो उनके दिल में रिस्पेक्ट बहुत है हुँ. और वो लाइक कंपेयर टू आर प्रीवियस जनरेशन और आप जो लाइक like, uh, आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसमें पेरेंट्स भी काफ़ी इस तरह के लाइक अगर uh, कोई केस होता है तो उसको सपोर्ट तो करेंगे लेकिन लाइक <laughs> like, मैं देखता हूँ ना अगर कोई इंस्टा पे कोई कोई भी रील लगा रहा हो कोई भी बंदा उसके नीचे लाइक इतने कोई डार्क ह्यूमर वाले कमेंट्स करेंगे अगर मुझे करें ना मैं इंजॉय करता हूँ मुझे नहीं बुरा लगता लेकिन हर किसी की नेचर ऐसी नहीं होती किसी होते। को बुरा लग जाए और वो डिमोटिवेट करने वाला सीन है सीधा सीधा लाइक कोई थोड़ा सा हेल्दी हो तो उसके ऊपर भी बोलते हैं तो अब मैं कल एक वीडियो देख रहा था लाइक उसने वन टेन के जी थी कोई एक लड़की और उसने लूज करके सिक्सटी कर दिया उस पर भी लोग उसको मॉक कर रहे हैं लाइक उसमें उसको सपोर्ट करना चाहिए अच्छी बात है उसकी जर्नी है लेकिन आ, बहुत लाइक अब ये कल्चर बढ़ता जा रहा है इंस्टा के कमेंट सेक्शन खोल अब लाइक जितना आपके पास उतना ही पीपल लाइक यू नो वी हैव दोस कीबोर्ड वॉरियर्स हु थिंक दे कैन गो अबाउट से कूल लगेंगे कूल cool लगेंगे। कुछ भी बोल दें कोई अकाउंटेबिलिटी वगैरह नहीं एंड आई थिंक इट्स वेरी रिफ्रेश हैव that दैट Behavior towards you know trolling and all of that, but I'm sure at some point or the other, hoti hogi. So, have you ever encountered an incident like that where some of your fans or anybody under your video has written something and that really like hit you or like hurt you or got or like demotivated you? leverage not friends, somebody like you know, a fan or like anybody, fan like a quick. लाइक like, पूरी एक ना काइंड ऑफ गैंग टाइप थी फेसबुक पे तो दे स्टार्टेड लाइक बेताशा कमेंट्स कर रहे हैं हर पोस्ट पे जाके अजीब अजीब से तो hmm. so, एक टाइम तक मुझे तो मतलब मुझे उस वक्त तो भी बुरा नहीं लग रहा था हो ये रहा था कि जो सही कमेंट्स आ रहे थे ना hmm. वो भी पढ़ने में नहीं आ रहे थे वो भी oh. छुप जाते थे, थे। उनमें वो लाइक अब मेरी ऑर्गेनिक रील की बात ऑर्गेनिक रीच की बात करूँ तो तीस चालीस कॉमेंट पचास कॉमेंट्स आ रहे होंगे तो उन उस उन पोस्ट पे 500 500 कमेंट्स आते थे और लाइक पाँच सौ लोगों के भी नहीं पढ़ना पढ़ पा रहा था जो लोग सही कमेंट्स कर रहे थे सही। तो फिर सीन है, तो, like, मैंने यार, ये सीन है तो कहता, यार ये अगर वीडियोज बना रहे हो मतलब मुझे उस पर बड़ा गुस्सा आया था कोई बंदा था ऑफिसर था तो वीडियोस बना रहे हो तो इस तरह के कमेंट्स तो आएंगे बर्दाश्त करना पड़ेगा मैंने कहा भाई तुम क्यों बैठे फिर? आ, तुम्हारा, what's your job? क्यों तो हो फिर वट्स जॉब मैंने कहा तुम्हारी कोई लॉ तो होगा इसका कहता है यार अगर हम यहाँ से भेजेंगे फेसबुक वालों को फेसबुक वाले फिर हमें कुछ भेजेंगे ये करेंगे वो करेंगे अब पाकिस्तान में ये है कि आप अगर सही कहीं भी चले जाओ पुलिस स्टेशन चले जाओ स्पेशली सिंध में अगर आप पुलिस स्टेशन भी चले जाओ खुद रैंडम एज ए आम सिटीजन तो आपको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती जब तक आप किसी की कॉल करवा के ना जाओ

to anybody you know not just like with see with cerebral palsy but anybody who has any physical or mental limitation but dreams of doing so much more like what's one advice that you'd like to give um to such people mai har jagah ek baar bolta hu ki like mera hashtag hai ek rukawat ek aisi to मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई भी काम को अगर करना चाह रहे हो ना किसी भी मतलब अच्छी नीयत से या सच्चे दिल से करना चाह रहे हो तो कोई भी दुनिया की ऐसी वो नहीं है जो आपको रोक सके लाइक mm -hmm. like, uh, कोई भी ऐसे ही कोई लाइक like, आप लोग भी नहीं रोक सकते अगर मुझे yeah. रुकना होता मैं कब का रुक चुका exactly. होता yeah. तो और ऊपर से मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी mm -hmm. तो लाइक दैट इज़ अ प्लस पॉइंट तो ये ये है और हमेशा किसी भी चीज़ को मतलब uh, हर चीज़ का एक पॉजिटिव साइड देखें जैसे अभी हम पी की बात कर रहे थे तो पी में भी पॉजिटिव चीज़ें भी तो हैं ना लाइक कल्चर प्रमोट हो रहा है हमारा लोगों के चेहरों पर खुशियाँ आ रही हैं और और चीज़ अगर अब आप, आप ऐसा इंसान सोचना चाहें तो हमेशा से अपने लाइक किसी अपने से नीचे वाले बंदे को देखें लाइक मैं अपनी बात करूं तो लाइक मैं ये सोचता हूँ मैं चल नहीं सकता तो क्या हुआ बोल तो सकता हूँ काफ़ी सारे लोग हैं जो कि बोल भी नहीं सकते तो इस तरह से पॉजिटिव चीज़ निकालें एक अगर यहाँ ही मैं ये सोचता है कि यार मैं चल नहीं सकता मैं ये क्यों नहीं कर सकता ये क्यों नहीं कर सकता तो फिर वो खुद ही बंदा सोच सोच के ना पागल होता है और मैं भी ये कोशिश करता हूँ कि मैं घर पर रहता ही नहीं हूँ

Of everything that you've done so far and everything that you're <coughs> gonna to continue to achieve. Who's that one person or like a few people in your life who have been the the center, like the pivotal who played the pivotal role in your career and all your achievements so far? Uh, my parents, especially my father. Okay. Or <laughs>

चलो oh, बहुत ज़्यादा हो गया लाइक like, डिग्री खत्म करनी है hmm. और अपना बिजनेस को कोशिश करनी है और अगर हो गया एक्सपैंड तो इसी को चलाना है आगे hmm. नहीं हुआ तो कहीं सीधी सीधी नाइन टू फाइव जॉब करनी है लाइक कंटेंट क्रिएशन साइट पे रखनी है एंड okay. लाइक like, शादी करनी है okay. Amazing. Amazing. और दुनिया घूमनी है Inshallah. 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 और Inshallah. सबसे बड़ा गोल ज़िंदगी का मेरा यही कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कब hmm. तक लाइक like, yeah, like, like, तो uh, घर से इतने नहीं मांगता बहुत कम मांगता हूँ जैसे मतलब खुद अर्न करना शुरू किया मांगते हुए कुछ होता है And we will see you in a little But it was lovely, lovely speaking to you, Namir. Thank you so much for doing this, especially in your Rosa. And uh, yeah, with that being said, we've reached the end of our podcast. I hope you guys love it. Please um, tell us how you like it and tell us who you want our next guest to be and give us your um, feedback and everything. So yeah, until next time, see you all. Take care. Bye bye.